प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम भारत में नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत में नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कौन कौन से नगर होते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है आदि पर चर्चा करने से पूर्व हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नगर क्या होता है। सामान्य रूप से नगर के लिए सिटी या टाउन का प्रयोग किया जाता है। भारत में नगरों को जनसंख्या के आधार पर परिभाषित किया गया है, यानी जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है उन्हें सिटी या नगर कहा गया है, तथा इसके लिए कुछ विशेषताएं मानी गई हैं। जैसे किसी शहर की न्यूनतम जनसंख्या 5,000 या 5,000 से अधिक हो, कार्यशील पुरुष जनसंख्या में कम से कम 75% जनसंख्या घेर कृषि कार्यों में लगी हो, अर्थात द्वितीयक या तृतीयक व्यवसाय में लगी हो, तथा जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति हो या प्रति वर्ग मील 1,000 व्यक्ति हो, वैसे शहरों को नगर कहा गया। नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण देखें तो नगर प्राय बहु कार्यात्मक होते हैं, यानी कि वहाँ पर एक से अधिक कार्य होते हैं। नगरों को सामान्यतः उनके प्रमुख कार्य या कार्यों के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। किसी नगर को उस कार्यात्मक वर्ग में रखा जाता है जो उस नगर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण या मुख्य कार्य होता है, और उसी कार्य के आधार पर वह अन्य नगरों से या कस्बों से भिन्न होता है। नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, इसको अगर हम देखें तो भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न देशों के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण 3 विधियों के आधार पर किया है। गुणात्मक विधि, अर्ध परिणात्मक विधि या परिणात्मक विधि, जिसको आप क्वांटिटेटिव मेथड भी कहते हैं। तो भारत में नगरों का जो मुख्यतः वर्गीकरण किया गया है वो गुणात्मक या आनुभविक विधि के द्वारा किया गया है। गुणात्मक विधि, जिसे आनुभविक या इंपीरियल मेथड के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं, इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा पर्यवेक्षण के आधार पर नगरों को विभिन्न वर्गों में बांटता है या विभाजित करता है। जैसे भारत में व्यक्तिगत अनुभवों या गुणात्मक विधि के आधार पर मुख्य रूप से औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, प्रशासनिक नगर, शैक्षिक या शैक्षणिक नगर, खनन नगर या उत्खनन नगर, परिवहन नगर, धार्मिक या सांस्कृतिक नगर, सैन्य नगर या सुरक्षा के जो प्रमुख केंद्रीय नगर, पर्यटन नगर या मनोरंजन के स्थल या स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र आदि के रूप में बांटा गया या आदि प्रकारों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक नगर। वे नगर जिनका प्रमुख कार्य औद्योगिक क्रिया हो, उन नगरों का अस्तित्व के विकास का मुख्य कारक ही औद्योगिक क्रिया व उनसे प्राप्त उत्पादों पर आधारित होता है। इस प्रकार के नगरों को हम औद्योगिक नगर कह सकते हैं। ऐसे नगरों में अधिकांश जनसंख्या उद्योग धंधों में कार्यरत होती है, तथा दूर से हम देखें तो अनेक कारखाने, धुआं निकलती हुई चिमनियाँ, श्रमिकों की कॉलोनियाँ तथा एक भीड़भाड़ या
जनसंख्या का जमघट क्षेत्र होता है। इस प्रकार के नगरों को हम औद्योगिक नगर कह सकते हैं। इन नगरों में व्यापार, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि से जुड़े हुए उद्योग या कारखाने स्थापित होते हैं, साथ ही श्रमिकों की कॉलोनियां भी बस जाती हैं। भारत में अगर इस प्रकार के नगरों में देखें तो भिलाई है, बोकारो है, सूरत है, मुंबई, चेन्नई आदि देख सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख नगर है वह है व्यापारिक नगर। इस प्रकार के नगरों में व्यापार व वाणिज्य से संबंधित कार्यों की प्रधानता होती है। ऐसे नगर फुटकर या थोक व्यापार के प्रमुख केंद्र होते हैं, या थोक या फुटकर दोनों प्रकार की क्रियाएं भी संचालित होती हैं। इन नगरों में प्राय बड़ी बड़ी मंडियां या व्यापार से जुड़े हुए विभिन्न ऑफिस, विभिन्न प्रकार के बैंक, बीमा केंद्र या वित्तीय संस्थाएं या वित्तीय कंपनियों की अधिकता देखी जा सकती है। ये केंद्र स्थानीय उत्पादों के संग्रहण व तैयार माल के वितरण का प्रमुख केंद्र होते हैं। भारत में इस प्रकार के नगर को हम देखें तो कोलकाता, मुंबई, कानपुर, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद आदि को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। तीसरा जो नगरों का प्रमुख प्रकार है वह प्रशासनिक नगर। इस प्रकार के नगरों का विकास प्राय किसी देश की राजधानी या राज्यों की राजधानी या जिला केंद्र या जिला मुख्यालय के रूप में विकसित होते हैं, जहाँ पर सरकारी कार्यों की प्रधानता होती है तथा प्रशासनिक कार्यालयों के साथ साथ ही सचिवालय, निदेशालय तथा उनसे संबंधित सरकारी अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों व राजनेताओं के सरकारी आवास या भवन भी होते हैं। इस प्रकार के नगर किसी देश के राजनीतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं या राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भारत में देखें तो नई दिल्ली, श्रीनगर, जयपुर, भोपाल, लखनऊ आदि नगरों को हम प्रशासनिक नगर के रूप में देख सकते हैं या रख सकते हैं। अगला जो प्रमुख नगर का प्रकार है वह है शैक्षणिक या शैक्षिक नगर। इन प्रकार या इस प्रकार के नगरों में मुख्य रूप से शिक्षा और शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण आदि के केंद्र स्थापित होते हैं, जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि स्थापित होते हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक नगरों में आजकल जैसे देखें हम तो कोचिंग सेंटरों का जमघट भी देखा जाता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के कोचिंग केंद्र स्थापित होते हैं। इसके साथ ही पुस्तकालय भवन या बड़े बड़े पुस्तकालय भी होते हैं। तो इस प्रकार के नगरों में यदि हम देखें तो भारत में इस प्रकार के नगरों में पिलाणी, खड़गपुर, रुड़की, शांति निकेतन, इलाहाबाद, कोटा आदि नगरों को शैक्षणिक नगरों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला जो प्रकार है वह परिवहन नगर। परिवहन नगर मुख्यतः परिवहन मार्गों के मिलन स्तर पर विकसित होते हैं, जैसे जहाँ पर कई स्थलीय मार्ग आपस में मिलते हो या जहाँ पर एक प्रकार के परिवहन साधन समाप्त हो जाते हो, उस क्षेत्रों में
पर्यावरण नगर विकसित होते हैं। जैसे रेल मार्गों के संगम स्थल स्थल या समुद्री मार्गों के मिलन स्तर पर इस प्रकार के नगरों का विकास होता है। भारत में अगर हम देखें मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर, मुगलसराय, नागपुर, बेंगलोर आदि नगरों को परिवहन नगरों के रूप में देखा जा सकता है या रखा जा सकता है। इसके साथ ही जैसे काठगोदाम, कालका, पठानकोट आदि जो क्षेत्र है वो भी या नगर है वो भी परिवहन नगर की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अगला जो प्रमुख केंद्र है वो खनन नगर। खनन नगर मुख्यतः किसी खनिज पदार्थ या खदानों के निकट ही विकसित होते हैं। मुख्यतः इन नगरों का विकास खनन उद्योग पर ही आधारित होता है। जब खनिज पदार्थ उपलब्ध हो जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे श्रमिकों का निवास और फिर धीरे धीरे उस खनन से संबंधित उद्योगों का विकास होता रहता है और एक नगर का अस्तित्व धीरे धीरे अपने स्वरूप में आने लगता है। भारत में अगर इस प्रकार के नगरों में देखें तो रानीगंज, जरिया, बोकारो, कोडरमा, अंकलेश्वर, डिगबोई, तालचर, नोवामुड़ी आदि जो नगर है जो खनन नगरों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अगला जो नगर का जो प्रमुख केंद्र है वो सांस्कृतिक या धार्मिक नगर। इस प्रकार के नगरों में धार्मिक क्रियाकलापों की प्रधानता रहती है या विभिन्न तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनकी प्रधानता रहती है। साथ ही यहाँ पर विभिन्न धर्मों से संबंधित पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, बौद्ध विहार, गुरुद्वारा आदि स्थापित होते हैं और धीरे धीरे नगर प्राय एक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो जाते हैं और यहाँ पर तीर्थ यात्रों के कारण अधिक भीड़भाड़ रहती है। इस प्रकार के नगरों में अगर हम भारत में देखें तो प्रयागराज या इलाहाबाद है, वाराणसी, काशी, अयोध्या, उज्जैन, द्वारिका, रामेश्वर, पुष्कर, हरिद्वार, बद्रीनाथ आदि धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्रों या नगर के रूप में पहचाने जाते हैं या उनको नगरों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला जो प्रमुख केंद्र है वो है सैन्य नगर। इन्हें हम सामरी नगर या कंटेनमेंट टाउन भी कहते हैं। ये नगर सावनी या सैनिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रमुख कार्य में सेना से संबंधित होते हैं। प्राचीन युग में नहीं, मध्य युग में भी इस प्रकार के अनेक नगर विकसित हुए हैं और वर्तमान में भी सामरिक स्थलों की सुरक्षा हेतु सैन्य नगरों की स्थापना की गई है। भारत में अगर हम इस नगरों की श्रेणी में देखें तो अम्बाला, जोधपुर, दिल्ली कैंट, इलाहाबाद आदि को सैन्य नगरों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम देखें तो पर्यटन नगर या मनोरंजन नगर या स्वास्थ्य स्थल जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के नगरों का विकास मुख्यतः स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के कारण या पर्यटन स्थलों की कारण विकसित होते हैं और यहाँ पर विभिन्न आकर्षण के कारण लोग देश विदेश से पर्यटन व मनोरंजन के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के साथ ही होटल, रेस्तरा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं विकसित होती है और इन्हीं सुविधाओं पर आधारित विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ व सेवाओं का आदान प्रदान होता रहता है। भारत में देखें तो इस प्रकार के नगरों में नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, आबू आदि जो नगर है उनको हम पर्यटन नगर या मनोरंजन नगर या स्वास्थ्य स्थल के रूप में देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि भारत में
नगरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कौन कौन से नगर हैं, क्या क्या विशेषता है आदि के बारे में हमने पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको देखें आप और पढ़े, चिंतन करें।